जय जिनेन्द्र बंधु, स्वागत है आप सभी का श्री आदिवीर विद्याश्री साधना शिवोदय तीर्थ न्यास आश्रम हस्तिनापुर में संपन्न हो रहे 41 दिवसीय संकट हरण श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान पर प्रसारित इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, आज प्रातः काल महान क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महामुनिराज के समता पूर्वक समाधि मरण पर संपूर्ण देश में शोक व्याप्त हो गया। हर किसी को मुनिश्री के देहावसन के बारे में सुनकर दुख हुआ। ऐसी दुखद घड़ी में इस दिन यहाँ जो भी क्रिया हुई वो पूज्य मुनिश्री की आत्मा को श्रीपद की प्राप्ति हो ऐसी कामना से संपन्न की गई। कार्यक्रम की शुरुआत अभिषेक एवं शांति धारा से हुई। आओ वे प्रभु को मुक्त सौका प्रदाय का नाम और दो जान पावना सर्वसाद सुखा वक्ता जिन उन्होंने समता अड़ू नाम परम जानी विश्व तत् प्रकाश का प्रबद्ध वननाता प्रसाद पुणकार का शंकर सद्धरुद्ध सर्वोच्च वदाज का ईश्वर भवना जिस पुरुषोत्तम सद्धोचा। शांति धारा के संपन्न होते ही संगीत के साथ सभी भक्तों ने भगवान की मंगल आरती उतारी। आरती के बाद विधान पूजन आरंभ हुआ और सभी भक्त बड़ी ही तल्लीनता से जिनेन्द्र प्रभु की भक्ति करने लगे। महान भाव यह आज की पूजा हम तरुण सागर जी को समर्पित करते हैं। महान भाव उनकी आत्मा जहां भी हो इस पूजा को सुने। और मैं एक बात और कहता हूं बड़े दावे के साथ, लोग कह सकते हैं महाराज जी हॉस्पिटल में भी गए थे, महाराज ने यह भी किया, लेकिन महान भाव जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया है वो एक बार अच्छी तरह से समझ ले कि जिस दिन दीक्षा होती है उसी दिन से साधु की समाधि होने लगती है। महान भाव साधु भेष ऐसा दिगंबरत भेष है, इसमें किया हुआ एक एक कृत आत्मा के लिए होता है। लोग कह सकते हैं कि तरुण सागर महाराज जी यहां जाते थे, ऐसा करते थे, लेकिन आज हमें दावे के साथ कह सकते थे कि उन्होंने जो जो किया है यह बताने के लिए किया है कि हम जहां जहां जाते हैं वो दिगंबर साधु वहां वहां जा सकता है, उठ सकता है, बैठ सकता है। महान भाव उनकी उत्तम समाधि के लिए हम यहां से सिद्धा सुमन अर्पित करते हैं और जहां भी उनकी आत्मा होगी वो हमारी आवाज जरूर सुनेगी और वो सिद्धत्वपन को धारण करके आने वाले भावों में अपने कर्मों को क्षय करके निश्चित सिद्धत्व को प्राप्त करेगी। हम श्रद्धा समन अर्पित करते हैं उन तरुण सागर जी को, उन्होंने जो जन जन तक अलख जगाई, कड़वे प्रवचन दे दे करके आज कड़वी सच्चाई को उन्होंने उजागर कर दिया, ये बहुत बड़ा उदाहरण है। कंडियार का विद्या श्री माता जी सिंहासन विराज तारकरत विद्या श्री माता जी के चरणों में जला दिया अर्घन पामते साहा। आचार्यों ने कहा है कि सांसों की तुली से मृत्युगान लिख जाओ, मृत्यु तो निश्चित है उससे न भय खाओ। वो सांसों की तुली से मृत्युगान लिख जाओ, मृत्यु तो निश्चित है उससे न भय खाओ। रूप का न मद करो, रूप का न मद करो, रूप तो स्वयं नश्वर है, भीतर देखो एक आत्मा वही परमेश्वर है। भोगो भौतिक सुख को छोड़कर, भौतिक सुख को छोड़कर उसके ही गीत गाओ, सांसों की तुली से मृत्यु गान लिख जाओ, मृत्यु तो निश्चित है उससे ना भय खाओ। सांसों की तुली से मृत्यु गान लिख जाओ, मृत्यु तो निश्चित है उससे ना भय खाओ। जीवन की सांसों का सैया पर जीवन बीत रहा, सांसों की सैया पर जीवन बीत रहा, देह तो नश्वर है उसके ही गीत गाओ। भोगों के मनुस्थल को देख, भोगों के मनुस्थल को देख, उसको ना ललचाओ, सांसों की तुली से मृत्यु गान लिख जाओ, मृत्यु तो निश्चित है उससे ना भय खाओ। कामनाओं की सैया पर,
कामनाओं की सैया पर जीवन ही बीत रहा, सांसों का सागर था क्षण भर में रीत गया, सांसों का सागर था क्षण भर में रीत गया, भोगों के मरुस्थल को देख मत ललचाओ, सांसों की तुली से मृत्यु गान लिख जाओ, मृत्यु तो निश्चित है उससे ना भय खाओ। बादलों की ओट में, बादलों की ओट में छिपा हुआ दिनकर है, बादलों की ओट में छिपा हुआ दिनकर है, सांस बादलों की ओट में छिपा हुआ दिनकर है, दे तो निलय है भीतर देखो परमेश्वर है, प्रज्ञा की दृष्टि से उसके ही गीत गाओ, सांसों की तुली से मृत्यु गान लिख जाओ, मृत्यु तो निश्चित है उससे ना भय खाओ। बोलो महावीर भगवान की जय। धर्म प्रेमी बंधु, आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, नामी मृत्यु कुतो भीति, नामी व्याधि कुतो व्यथा, ना हम बालो न वृद्धो हम योतानी सपुद गले। नामी मृत्यु, मेरी मृत्यु नहीं होती है और मेरा जन्म भी नहीं होता है, और ना मैं बालक होता हूँ ना वृद्ध होता हूँ, और ना ही आत्मा तो अजर अमर है, अविनाशी है, एक अखंड है, अचल है और शाश्वत है, अनुपम है, उपमा से रहित है। ऐसे तत्व को जानने वाले वे तरुण सागर मुनिराज, हम कैसे कह सकते हैं कि उनकी समाधि नहीं हुई, क्योंकि वह अपनी पुस्तक में मृत्यु बोध में कहते थे कि सोचो तुम, तुम्हारा जीवन का चित्रण कितना सा है, तुम सोचो कि सोमवार को जन्मा हूं और मंगलवार को बड़ा हुआ और बुधवार को विवाह हुआ और गुरुवार को बच्चे हुए और शुक्रवार को तुम अस्पताल पहुंच गए और शनिवार को तुमने डॉक्टर को दिखाया, उसने कहा कि इतवार को कह दिया वाय वाय, तुम वाय वाय कह देते हो ना कि तुम चले गए हो अब जाओ, बस इतना ही सा तुम्हारा जीवन का चित्रण है। वास्तव में यह जीवन का चित्रण नहीं, ये तो भद्दा और गलत चित्रण है। अपने चित्त में तुम अपने इस जीवन के रहते हुए अपने जीवंत आत्मा को जान लो। तुम अरहंत और सिद्ध का सिद्धांत तो करते हो, तुम 24 तीर्थंकर के नाम सुनाकर उनका भी तुम्हें सिद्धांत हो जाता है, परंतु वह उस शाश्वत आत्मा का जिससे तुम आत्म कल्याण के लिए घर से निकले थे, उस आत्मा को भूल गए। भाई भाई वो जय जयकार में तुमने उसको भुला दिया। वह ज्ञानी थे, वास्तव में वो अपने जीवन में जो एक चित्रण लिखकर जैसे कहते थे कि फूल का सार इत्र होता है, फूल का सार इत्र होता है और वस्तु का सार अर्थात फूल का सार इत्र होता है, जीवन का सार चारित्र होता है। यदि तुमने इत्र को बटोर लिया तो ज्ञान को पा लिया, और यदि चारित्र को समेट लिया तो तुमने भेद विज्ञान पा लिया। वे कहे अपने जीवन में कहते थे कि हे भाई, तुम अपने जीवन को इस प्रकार से समझो, इस प्रकार से मानो जैसे ही प्रभात हुआ, और तुम समझो कि आज हमारा जीवन का अंतिम दिन है।
और रात्रि हुई, पौ हुआ, जन्म हुआ और प्रभात हुआ, बड़ा हुआ, और दोपहर हुई, जवानी हुई और रात्रि हुई, संध्या हुई, बुढ़ापा आया और रात्रि हुई, मर गया, थक गए सो तुम गिर गए। क्या जीवन है ये, कोई जीवन में जीवन है? तुम ये समझो कि रात्रि है हमारी, जीवन की अंतिम रात्रि है, तो तुम सचेत रहोगे, तुम जागृत रहोगे, अपने जीवन में जागृत रहो, जागृति पाओ। यदि जो जीवन में जागृत रहता है वह मृत्यु के समय मरता नहीं है, उस वह अमर हो जाता है। वह समाधि जो कहते थे ऐसा, उनने समाधि नहीं ली हो, ये बात थोड़ी है कि बाहर में प्रदर्शन हो ही हो, आज भी हो, कल भी हो, वर्किंग डे में हो, आप डे में हो, और अवकाश में हो, कभी भी हो सकती है। तुम अपने को समझो, क्योंकि एक बार की बात है, एक सेठ ने कहा कि तुम अपने जीवन में इतनी बढ़िया महल बनाया। वो कहते हैं कि भैया तुमने ये इसका नाम रख दो महाराज जी। बोले इसका नाम तुम नहीं रख पाओगे, मैं बताऊंगा, तुम नहीं समझ पाओगे। बोले कि रख तो दो महाराज, तुम हमारे गुरु हो। तो हमने कहा तुम ये निश्चित करो कि हम जो नाम रखेंगे उसे तुम्हें मानना पड़ेगा। बोले ठीक है, मैं मान लूंगा। बोले इसका मरघट रख दो। बोले कैसी बात करते हो, गुस्सा हो गया, तम तम आ गया। महाराज ने कहा कि सुनो सुनो। बोले कि क्या बात हो गई, तुम हमने कहा था ना तुम नहीं रख पाओगे। बोले कि सुनो, ये बात है कि मरघट उसे कहते हैं जहां प्राण प्रति समय घट घट माने घटते हैं, यूं भाव कर्म या भाव मरण तुम पढ़ते हो ना, तो जहां जिस जगह पे तुम मरते हो और प्रति समय तुम्हारे प्राण घटते हैं, भाई मरघट है। बोले महाराज तुम जानते नहीं। बोले शमशान वो है जहां जलाकर समान कर दिया जाता है। ऐसे साधक की आज हम वह श्रद्धांजलि उनके चरणों में देते हुए बस यही भावना भाते हैं। उन्होंने जिन्होंने राष्ट्र देश और नव युवा पीढ़ी के और बच्चों के बूढ़ों के हृदय में एक धर्म की ज्योति जागृत की है, ऐसी महान आत्मा का हम श्रद्धांजलि देते हैं। ऐसा कोई संत वास्तव में आज नहीं हुआ जो कि जिसने राष्ट्र को भी अपने चरणों में झुका दिया हो, नेता महानेता और सबको अपने चरणों में झुका दिया हो, और जैन धर्म की जिनने अलग जगा दी हो, ऐसे महान संत के चरणों में हम बारंबार नमस्कार करते हैं। वो लोग परम पूज्य तरुण सागर जी महाराज की। अपन आज यहाँ हस्तनापुर की धरा पर और परम पूज गणनीय आर्का विद्याश्री माता जी के द्वारा आशीर्वाद से निर्मित इस आदिवीर विद्याश्री संस्थान में हम सब लोग आज उस महान संत को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनकी आत्मा में शांति की प्राप्ति हो और उत्तरोत्तर निरंतर वृद्धि करे। हम सब लोग सिद्ध भक्ति पूर्वक 9 बार नमोकारमंत पढ़ के सिद्ध भक्ति करके उनको यहाँ से श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। छाव मंत्री सिद्ध भक्ति काउ सगो काउ तेलोचम सम्मानम समम समम अठिक मुक्काणम अट्ठ गुण सम्मानम उडलोई मत्यामी पट्याणम तप सिद्धाण सिद्धाणम संयम सिद्धानम चरि सिद्धाण अतीतानागत बड्ढ्यमाणम कालते सिद्धाणम ऋचिकालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमस्यामी दुख कौ कमकौ भूहिला सुगैगणम समाहिमणम जुणगुण संबोधि हो दुमज्जम। यहाँ पर तरुण सागर जी कुछ वर्षों पहले यहाँ आए थे, हमारे आश्रम भी पधारे। कितना सरल व्यक्तित्व था, मैं उनके बारे में बताता छोटा सा उदाहरण दूंगा। और वो प्रवेश किया और प्रवेश करने के बाद सीधे आकर के बीच हाल में बैठ गए। लोग कहते हैं महाराज को टाइम नहीं होगा, एक आध 2 मिनट में।
पूरे 1.25 घंटा उनने यहाँ पर बैठा और देखकर कहा इतनी बड़ी व्यवस्था कैसे संभल रही है। और मैंने एक छोटी सी बात रखी थी कि महाराज तीर्थ तो बहुत बन रहे हैं, आपके यहाँ भी तीर्थ बन रहा है, मंदिर बन रहा है, कुछ ऐसा कार्य करो जो सामाजिक हो और कुछ अध्ययन का, पठन पाठन का और कुछ निरोगी काया से, रोगों से लड़ने का। तो उन्होंने इस बात को कहा कि मैं अपने साथ वहाँ पर ऐसी पढ़ाई की व्यवस्था, ऐसे बच्चों की व्यवस्था बनाऊँगा कि जो ISI बड़े बड़े अधिकारी बन सकें, बड़ी बड़ी पढ़ाई कर सकें, IAS की पढ़ाई कर सकें और हमारे यहाँ से निकल सकें, ऐसे पढ़ने वाले बच्चों को रहने खाने पीने की व्यवस्था रखी जाएगी। इस व्यवस्था के साथ उन्होंने इस बात को कहा है। और बिल्कुल सरल व्यक्तित्व था उनका, महानुभाव। लोग चाहे जो कुछ भी कहें, जिसने एक बार मुनि पद धारण कर लिया उसका कल्याण निश्चित है। उस भब्बा आत्मा को हम सब लोग अपनी पूरी समाज की ओर से, हम लोगों की तरफ से आत्मी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनकी आत्मा जहाँ भी रहे वो हम सबको आशीर्वाद दे। और इस आशीर्वाद के साथ कि हम सब लोग इस जिन पथ पर निष्कंटक होकर चलें और अपनी आत्मा का कल्याण करें, ऐसी पुण्य आत्मा को बार बार नमन हो, नमन हो, नमन हो। तो दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। दीजिए अनुमति। जय जिनेंद्र।